गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम वर्ड मीनिंग किए थे और अपना फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। आज ट्रू फर्स्ट करेंगे और देन गिव एग्जांपल फॉर टू फॉर फ्लोरी। इसमें दो दो एग्जांपल सबका बताना है वो करेंगे, ठीक है। तो पहला है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। फर्स्ट है इंसेक्ट आर बिग एनिमल्स, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स। कीवी कैन नॉट फ्लाई, ट्रू। कीवी नहीं उड़ती है ना, आपको एग्जाम्पल में बताया था। मंकी लिव ऑन अ ट्री, ट्रू। एन एलिफेंट इज अ लैंड एनिमल, एलिफेंट लैंड एनिमल था तो ट्रू। अ क्रोकोडाइल लिविंग ओनली वाटर, हम आपको बताया था कुछ जानवर ऐसा भी होता है जो वाटर पे भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो क्रोकोडाइल उसका एग्जाम्पल था, तो फॉल्स। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इंसेक्ट आर बिग एनिमल, इंसेक्ट सबसे बड़ा जानवर है तो नहीं, सबसे छोटा जानवर था, ट्रू। अ कीवी कैन नॉट फ्लाई, कीवी नहीं उड़ती है तो ट्रू। अ मंकी लिव ऑन अ ट्री, मंकी पेड़ पे रहता है, ट्रू। An elephant is a land animal, elephant land animal है, true। A crocodile live in only water, crocodile सिर्फ पानी में रहता है तो false, नहीं वो दोनों जगह रह रहा था। उसके बाद दो दो example बताना है। Animal that live on land, animal जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो example के बाद dog और sheep। उसका animals that live on tree, animal जो कि पेड़ पर रहते हैं, तो monkey और squirrel, मतलब बंदर और गिलहरी। एनिमल डेट लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले दो जानवर का नाम बताना है, तो फिश और फ्रॉग। उसका बर्ड डेट कैन नॉट फ्लाई, दो चिड़िया का नाम बताना है जो नहीं होती है, कीवी और ऑस्ट्रिच। उसके बाद है इंसेक्ट्स, दो इंसेक्ट का नाम बताना है, आंट और बटरफ्लाई। ओके, फिर से एनिमल डेट लिव ऑन लैंड, एनिमल जो कि एनिमल जो कि लैंड पे रहता है, तो उसके एग्जाम्पल होगा डॉग और सी। एनिमल डेट लिव ऑन ट्री, एनिमल जो कि ट्री पे रहता है, तो मंकी और स्क्वायरल। एनिमल डेट लिव इन वाटर, एनिमल जो कि वाटर में रहता है, फिश और फ्रॉग। एनिमल डेट कैन नॉट फ्लाई, कीवी और ऑस्ट्रिच। इंसेक्ट में दो नाम बताना है, आंट और बटरफ्लाई। आई होप कि आप लोग कॉपी और पेंसिल लेके बैठे होंगे, पर डे एक ही बात बताना पड़ेगा, तो अगर नहीं भी लेके बैठे तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, फिर से वीडियो को देखकर सब नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। द नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।